Hello everyone, myself Majula. Now, in this video, we are going to discuss about political consequences of globalization. This is part 2 of globalization chapter from class 12 political science. Let's start. Now, if you want to get the PDF of every single video I upload, kindly search Majula Mam Official in the Telegram channel and download it from there. In first part, we discussed about the meaning and causes of globalization. इन दिस पार्ट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन द पोलिटिकल कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ ग्लोबलाइजेशन दैट इज हाउ डज द ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट ट्रेडिशनल कंजन ऑफ स्टेट सॉबरिटी कि स्टेट की सॉबनिटी को ग्लोबलाइजेशन ने कैसे अफेक्ट किया वो हम डिस्कस करेंगे ना उसी इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इससे कनेक्टेड है वो समझना बहुत जरूरी है ना वट इज द फर्स्ट वन बिकॉज जो हमारा आंसर है ना सम वे और दी अदर इन तीन एस्पेक्ट के ऊपर ही बेस्ड है यू कैन नॉट यू नो गो बाय जस्ट वन एस्पेक्ट दर आर थ्री डिफरेंट एस्पेक्ट्स आर देयर डिपेंडिंग अपॉन दी एनालिसिस बाय द एक्सपर्ट्स नाउ सी फर्स्ट एस्पेक्ट ये कहता है कि दैट जो स्टेट की कैपेसिटी है दैट इज दबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्रीज गवर्नमेंट वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इरोड हुआ है बिकॉज ऑफ समहाउ इट हैज बीन इरोडेड बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड सी जब भी मैं स्टेट वर्ड यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ तो प्लीज़ बी क्लियर विद दिस वन दैट इंटरनेशनल लेवल पे जब हम स्टेट यूज़ करते दैट मीन्स वी आर एड्रेसिंग एड्रेसिंग टू पर्टिकुलर कंट्रीज गवर्नमेंट हम इस पर्टिकुलर कंट्री के गवर्नमेंट को ही एड्रेस कर रहे हैं ओके सो कंट्री को यहाँ पर हम स्टेट यूज़ करते हैं इंटरनेशनल लेवल जब हम बात करते हैं ओके नाउ सेकेंड एस्पेक्ट ये कहता है दैट जो स्टेट की कैपेसिटी है वो सम हाउ यू नो नॉट ऑलवेज इरोड नहीं हुआ दैट मीन्स दैट दे आर सेंग दैट की जो स्टेट की यहाँ पर कैपेसिटी है जो स्टेट की सॉबरिटी है वो ऑलवेज इरोड नहीं होता है दैट इज द सेकेंड एस्पेक्ट वी विल डिस्कस दैट ऑल दीज एस्पेक्ट्स इन डिटेल नाउ थर्ड एस्पेक्ट ये कहता है कि जो स्टेट की सॉबरिटी है जो स्टेट की कैपेसिटी है रूल करने का दैट हैज बीन यू नो सम हाउ बूस्ट विद ग्लोबलाइजेशन ओके नाउ लेट सी ईच एस्पेक्ट इन डिटेल फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज द स्टेट कैपेसिटी स्टेट की सॉबिनेटी है दैट हैज यू नो दैट हैज बिन इरोडेड द फर्स्ट एस्पेक्ट ओके नाउ अच्छा ये क्यों कहा जाता है देखो जो स्टेट की एबिलिटी है ना जिस तरीके से वो काम करना चाहता है वो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से इरोड हुआ है नाउ वाई दिस हैज हेजमिन सेट इनिशियली जो स्टेट जो था वो एक तरीके से वेलफेयर स्टेट का, का काम करता था नाउ वेलफेयर स्टेट हियर मीन्स बेसिकली वहाँ पर जो वीकर सेक्शंस हैं उन्हें उनको सपोर्ट करने के लिए उनके इकनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट करने के लिए समय हम गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वेलफेयर कुछ फंक्शंस करता था फॉर एग्ज़ाम्पल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ फ़ूड एडिकुएट हेल्थ केयर फेसिलिटीज़ प्रोवाइड करना क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि डाट ये सारा काम करना सम हाउ इट हैज़ बीन सीन दैट की जो पोलिटिकल एजेंडाज है गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं वो शिफ्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मैनी मल्टी नेशनल कंपनीज ओके तो ये जो कॉन्सेप्ट है फ्राम वेलफेयर स्टेट टू अब स्टेट क्या हो रहे हैं वो एक मिनिमलिस्ट स्टेट में ट्रांसफर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन फाइन ना मिनिमलिस्ट स्टेट मीन्स वोट मिनिमम यानी एक ऐसा स्टेट वो बनते जा रहे हैं जहाँ पर वो सिर्फ एक मिनिमम कुछ कोर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस ही कर रहे हैं वो जैसे वेलफेयर का जो स्टेट्स जिस तरीके से डिफरेंट फंक्शंस करते थे सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करना वो कहीं ना कहीं शिफ्टिंग हो रहा है यहाँ पर टू मिनिमलिस्ट स्टेट बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन नाउ अब मिनिमलिस्ट में वो क्या काम करते हैं जो कोर फंक्शन हैं दैट इज लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन करना एंड सिक्योरिटी जो पर्टिकुल पर्टिकुलर कंट्री में वहाँ के सिटीजन्स को सिक्योरिटी इन्श्योर करना वो ये मिनिमम काम कर रहे हैं दैट इज़ यू नो दे आर मूविंग टूवर्ड्स मिनिमलिस्ड स्टेट और जो अर्लियर जिस तरीके से वेलफेयर फंक्शन करते थे नाव दे आर विदड्रॉइंग फ्राम यू नो ऑल दोज फंक्शन्स और आज के टाइम पर अब वो वेलफेयर यू नो फंक्शन की जगह वेलफेयर स्टेट का, का काम करने की जगह अब ये हो रहा है कि नाव द इट्स अ मार्केट विच बिकम द प्राइम डिटमिनेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज़ कि आज के टाइम पे स्टेट दैट इज दुक वहाँ के गव किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस होंगे कि वो इकोनॉमिक और सोशल प्रायरिटीज़ उनका क्या होगा दैट विल नॉट बी डिसाइडेड बाई दी वेलफेयर फंक्शंस अब वहाँ पर क्या डिटर्माइन करेगा दैट विल बी ऑन ऑन द बेस ऑफ द नीड्स ऑफ द मार्केट कि मार्केट की जो डिमांड होगी अकॉर्डिंगली यू नो गवर्नमेंट विल प्रायरिटाइज इट्स सोशल एंड इकनॉमिक फंक्शंस फाइन तो पहले क्या था पहले वेलफेयर स्टेट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अपने सोशल और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को डिटरमाइन करते थे पर आज के टाइम पे मार्केट जो है अकॉर्डिंग टू टूट नीड्स ऑफ द मार्केट गवर्नमेंट अपने सोशल और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को डिटरमाइन कर रही है ना उससे ही यहाँ पर क्या हुआ स्टेट की सॉवर्निटी समविरोधिया अदर यहाँ पर उसका इरोजन हो रहा है वो जो करना चाहता है वो नहीं कर पा रहे यहाँ पर बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द मार्केट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ एमएंसी बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ दी मल्टी नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस राइट और जो आज के टाइम पे ये हो रहा है कि जो बहुत सारा जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो किसी कंट्री में वहाँ का उनकी एंट्री हो रहा है एंड देन उनका इन्फ्लुएंस जो है उनका रोल जो है उस पर, पर्टिकुलर कंट्री के गवर्नमेंट में वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है नाउ देखो गवर्नमेंट्स के क्या होते हैं गवर्नमेंट वॉन्ट दैट यू नो एम एन सी शुड सेटअप दंपनीज इन द कंट्री बिकॉज दैट विल डेवलप दी

नाउ सो दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट नाउ इस फर्स्ट एस्पेक्ट से यू कैन गेट क्वेश्चन यू नो ऑन द बेस ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन एन इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी कमेंट ओके तो ये जो स्टेटमेंट वाइज अगर आपका क्वेश्चन आए तो इन दैट क्वेश्चन ऑल्सो दिस आंसर विल बी कम्प्लीट यही सारे उसमें पॉइंट्स आपको लिखने होंगे एंड देन अगर ये क्वेश्चन हो द ओल्ड वेलफेयर स्टेट इज नाउ गिविंग वे टू मोर मिनिमल स्टेट डू यू एग्री अफकोर्स आपको यही सारे एक्सप्लेन करना है उसमें देन दिस कैन बी आस्ट इन प्लेस ऑफ द वेलफेयर स्टेट इट इज़ दा मार्केट दैट बिकम्स द प्राइम डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायरिटीज ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस तो यहाँ पर भी यही सारा जो ये वाला एस्पेक्ट है दैट इज द एस्पेक्ट विच बिलीव दैट द स्टेट कैपेसिटी और स्टेट का जो सॉबनिटी है दैट हैज़ बीन यू नो इरोडिड सम हाउ बिकॉज ऑफ द

वाई दिस हैज़ बिन सेट बिकॉज जो स्टेट के बीच में जो कंट्रीज के बीच में जो जेल्सीज है जो उनकी राइवलरीज है यू वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आज भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं सम हाउ यू नो दैट मैटर्स दैट स्टिल देयर इट इट डज नॉट सीज टू भी एग्जिस्ट इट स्टिल एग्जिस्ट और कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो कहीं ना कहीं कंट्रीज के बीच में एग्जिस्ट करता है जिसके वजह से जो स्टेट होते हैं वो अपने असेंशियल फंक्शंस को कंटिन्यू रखते हैं दैट इज़ यू नो लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन करना नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना और कॉन्शियसली स्टेट्स क्या कहते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो ऐसे एग्रीमेंट्स में या ऐसे मैटर से अपने आप को विदड्रॉ कर लेते हैं जहाँ पर उन्हें लगता है कि हम उनका स्टेट का स्टॉबिलिटी का यहाँ पर हर्ट हो रहा है या उसमें नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है राइट सो दैट जेलसी दैट राइवलरीज बिटवीन द कंट्रीज दैट स्टिल देयर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अभी भी है तो आज भी फॉर एग्जाम्पल इफ यू नो यू एंड चाइना इज डूंग एनी काइंडग्रीमेंट तो उनके बीच में जो जेलसीज है जो राइवलरीज हैिटी ग्लोबलाइजेशन से बेशक उन्हें इकोनॉमिकली ट्रेड की वजह से बेनिफिट मिलता हो बट स्टिल USA will avoid signing such kind of agreement with China, which will hurt its sovereignty. So यहाँ पर आया था उस जो old jealousies, old rivalries that still play its role in world politics. So that is one thing. So ये basically second aspect ये कहता है कि state की sovereignty को यहाँ पर अभी तक उतना challenge नहीं किया गया और वो continue state आज भी important एक uh, एंटिटी बना हुआ है राइट सो दिस द सेकेंड एस्पेक्ट विच अबाउट दिस पोलिटिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन नाउ देखो थर्ड एस्पेक्ट ये कहता है कि देखो स्टेट की जो कैपेसिटी है ना स्टेट की जो सॉबर्निटी है स्टेट जिस तरीके से फंक्शन करता है ग्लोबलाइजेशन के वजह से उसमें सम हाउ यू नो कुछ सर्टन एरियाज में उसमें बूस्टअप हुआ है उसे बेनिफिट मिला है नाओ किस सेंस में देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एनहांस्ड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए तो अब गवर्नमेंट के पास ऐसे टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके थ्रू वो अपने सिटीजन्स के इंफॉर्मेशन डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली दे कैन यू नो मेक बेटर पॉलिसीज एंड विच इनेबल्स देम टू रूल इन अ वेरी बेटर वे देन यू नो द वे यूज टू डू इन द पास्ट ओके तो जिस तरीके से पास्ट में जैसे रूल करते थे अब वो ज़्यादा बेटर तरीके से कर पा रहे बिकॉज ऑफ़ ग्लोबलाइजेशन बिकॉज ऑफ़ एनहांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी नाउ दे आर एबल टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट दस दे आर सिटीजन इन अ वेरी वेल सिस्टमैटिक मानर सिस्टमैटिक मैनर कितने लोग रिच हैं कितने लोग पुअर है कितने लोग एजुकेटेड है अनएजुकेट अकॉर्डिंगली वो बहुत बेटर पॉलिसीज़ बना पा रहे और वो बेटर तरीके से रूल कर पा रहे बिकॉज ऑफ दिस बेनिफिट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी विच द स्टेट गॉड थ्रू ग्लोबलाइजेशन ओके तो ये एस्पेक्ट ये कहता है कि स्टेट की जो पावर जो है वो ज्यादा पावरफुल हो चुका है बूस्ट हो चुका है सर्टन एरियाज में बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओके सो आई होप दिस पोलिटिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नेक्स्ट पार्ट में हम इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसिस डिस्कस करेंगे थैंक यू